नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। मेरा नाम है योगेश नायक। दोस्तों, अभी सभी पीएफ मेंबर्स को जो है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जो है पीएफ मेंबर्स ऑनलाइन पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो एडवांस फॉर्म हो या तो फिर फुल एंड फाइनल क्लेम के लिए हो, या तो फिर स्कीम सर्टिफिकेट के लिए हो, या तो फिर मंथली पेंशन के लिए हो। तो सभी तरह के ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जो है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए सबमिट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर अभी एक एरर देखने को मिल रहा है और क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस एरर के बारे में जानते हैं डिटेल से और इसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन हो चुका हूं। हमें क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C and 10D। उसके बाद हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होता है जो हमारे UAN अकाउंट के साथ लिंक्ड है, और वेरीफाई यस प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। उसके बाद हमें दोस्तों यहां पर क्लेम फॉर्म पेज ओपन हो जाता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर मैसेज आ रहा है जो सभी पीएफ मेंबर्स को अभी के टाइम में देखने को मिल रहा होगा। यहां लिखा है एरर वाइल आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:25, 3 जून की डेट है, तो आज सुबह सुबह जो है 9:25 अभी टाइम हो रहा है वीडियो बनाते समय, लेकिन ये एरर जो है कल से ही देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 जून से ही। और ये एरर किसी एक पर्सन को नहीं, ये सभी पीएफ मेंबर्स को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आधार सर्वर की जो है प्रॉब्लम है, इसलिए जो है आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है एरर वाइल आधार ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आपको पता है कि पीएफ क्लेम सबमिट करने के लिए आपको आधार ओटीपी सबमिट करना पड़ता है, तो वहां पर जो है दिक्कत आएगी, उससे पहले ही यहाँ पर एरर शो हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आधार सर्वर की दिक्कत है, और जैसा कि यहाँ पर लिखा है सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल, तो ये जो है एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो कि बहुत जल्द सही हो जाएगी। और आगे लिखा है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो आप कुछ समय बाद जो है ट्राई कर सकते हैं। तो आप जो है दोस्तों दिन में 2-3 बार आकर यहाँ पर चेक करते रहिए, जैसे ही ठीक हो जाए आप क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, आधार सर्वर की दिक्कत है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें जो है कुछ टाइम वेट करना होगा। हो सकता है आज दोपहर या शाम तक भी सही हो जाए, या तो फिर इसमें 1-2 दिन का समय भी लग जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है और पेशेंस बनाए रखें। उसके बाद जो है जैसे ही ये ठीक हो जाता है आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट कर पाएंगे सक्सेसफुली। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।